हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ जो पार्ट शेयर करूंगी वो लास्ट पार्ट होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लेन चान उल हुसैन के जाने के कारण बहुत दुखी था। वो दुखी होकर रोते हुए बेड पर लेट गया। तभी वो एक लेटर देखा। वो लेटर उल हुसैन ने उसके लिए छोड़ा था। लेन चान ने लेटर रीड किया, जहाँ लिखा हुआ था कि डियर लेन चान, मुझे खेद है कि मेरे पास तुम्हारे लिए अधिक समय नहीं था। प्लीज मेरे लंजन दुखी ना हो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा और हम से सप्ताह एक साथ बिताएंगे और पहले की तरह हम दोनों साथ रहेंगे। इतने महीने के बाद मुझे तुम्हारे बहुत याद आ रहा है लंजन। मुझे उम्मीद है कि हमारे अलविदा हमेशा आज के जैसा दर्दनाक नहीं होगा और तुम मेरे बारे में चिंता मत करना। मैं यहाँ ठीक हूँ और इमली से दूर ही रहना, क्योंकि वो लड़की कुछ भी कर सकती है। तुम सेफ रहना लंजन। मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो और मैं भी बहुत दुखी हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कॉल करते रहूँगा। अलविदा माय डियर लंजन। ये लेटर रीड करने के बाद लंजन बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाता है और उसके साथ बिताए हुए हर पल के बारे में याद करने लगा और थक कर वो सो गया। उसके सोने के बाद उल हुसैन ने कॉल किया, लेकिन वो थकान के कारण मुश्किल में आंखें खोला पर कॉल नहीं उठा पाया। सुबह जब अलार्म बजा तब भी वो थका हुआ महसूस कर रहा था और उल हुसैन को याद कर रहा था। उसके यादों में रोते रोते उसका सिर दर्द करने लगा था। फिर भी वो स्कूल के लिए निकला और रास्ते में यही सोच रहा था कि मैं खुश हूँ क्योंकि उल हुसैन मेरे लवर है और हम बहुत ज्यादा ही करीब है। अगर वो मेरे साथ होते तो यह कितना अच्छा होता। जब लंजन स्कूल पहुंचा तो वो अपने क्लास में चला गया और वो अपने टेबल पर बैठ गया। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट आकर क्लासरूम भर्ती हो गया। तभी इमली भी वहां पहुंची और गुस्से में लंजन से सवाल करने लगा कि तुम्हारा क्या मतलब है लंजन, कि तुम्हारा कोई मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आते एक बॉय के साथ रिलेशनशिप में रहने में? तुम दोनों जानते भी हो तुम दोनों बॉय हो। तभी लंजन कुछ कहना चाहता था। उससे पहले लंजन के दोस्त जॉय ने जवाब दिया कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो लड़का है या लड़की, अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो यह ठीक ही है। तभी और एक दोस्त ने कहा, यह हमारा काम नहीं है कि कौन किससे प्यार करता है, यह हमारे जानने की जरूरत नहीं है। इमली तुम्हारी कोई काम नहीं है क्या? वो जिससे चाहे प्यार कर सकता है। फिर और एक दोस्त ने कहा, उल हुसैन और लंजन दोनों बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो दोनों बॉयफ्रेंड बन भी गया तो तुम्हें उससे क्या, तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है बताओ मुझे। सभी लोगों के बातें सुनकर इमली को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाती है और चिल्लाते हुए सभी को कहने लगी, क्या तुम सब पागल हो जो उन दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हो? वो दोनों बॉय है और दोनों साथ डेट कर रहा है। क्या तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? क्या तुम लोग नहीं देख रहे हो कि वो दोनों लड़का है? ये सभी बातें तीसर ने भी सुन लिया था, लेकिन तीसर इमली से कहता है, सबके सामने तुम लंजन को बेइज्जती क्यों कर रही हो? इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा फैन किससे प्यार करता है, तुम अपने काम पर फोकस करो। तभी इमली कुछ नहीं कहा, लेकिन इमली ने बेइज्जती करना नहीं छोड़ी। इमली के कारण लंजन को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा और इमली ने सभी स्टूडेंट को उन दोनों के रिश्ते के बारे में बता दिया, जिसके कारण बिग टाइम पर सभी स्टूडेंट्स लंजन और उफिशान के रिश्ते के बारे में पूछने लगा। लेकिन सुई ने लंजन से कहा, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों अभी साथ हो। तभी लंजन ने उसे थैंक्स कहा। जब लंजन घर के लिए निकला तभी इमली भागते हुए लंजन के पास आई, लेकिन लंजन ने उसे इग्नोर किया। ऐसे ही स्कूल में लंजन को इमली ने बेइज्जती करते रही। दिन जब लंजन स्कूल से आ रहा था तभी इमली के डैड लंजन से कहता है, लंजन मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे पता है कि इमली तुम्हें परेशान करती रहती है। लेकिन लंजन ने यह सभी बातें इग्नोर करते हुए घर के लिए चला गया और वो उफिशान के साथ बात करने के लिए एक्साइटेड था। उस दिन लंजन ने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया कि इमली ने उसे स्कूल में कैसे बेइज्जती करते रहते हैं। पेरेंट्स ये सभी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो गया। खासकर लंजन के मॉम गुस्से से कहने लगी, किसी को भी मेरे बेटे के बारे में ऐसे कहने की अधिकार नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करता है।
चाहे वो लड़का ही हो। ऐसे कहकर उसके मॉम इमली के घर पर चली गई और इमली से कहने लगी, मेरे बेटे को फिर से परेशान मत करना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोबारा ऐसा करने की हिम्मत किया तो मैं तुम्हारी बुरा हालत कर दूंगी। इमली डर गई और वो कुछ नहीं कहा। तभी इमली की पेरेंट्स लेनजान के पेरेंट्स के सामने माफी मांगने लगी। तब जाकर लेनजान के मॉम शांत हुई। ये सब कुछ लेनजान ने रिकॉर्ड किया और हुशियान को सेंड कर दिया। तभी हुशियान लेनजान को कॉल किया, लेकिन हाय हेलो कहे बिना वो कहने लगा, लव यू डियर एंड मिस यू। लेनजान हंस पड़ी और वो भी सेम जवाब दिया। दोनों एक घंटे तक बात की और फोन काट देने के बाद लेनजान खुशी होकर सो गया। भले ही वो हुशियान को बहुत याद कर रहा था, लेकिन उसके साथ बात करने के बाद वो अच्छा महसूस कर रहा था। कुछ टाइम बाद लेनजान उठा और वो सोच रहा था कि वो मेरा भाई जैसा था, क्योंकि वो मुझसे एक साल छोटा है, लेकिन मैं कभी भी उसे अपना भाई नहीं माना। दूसरे ओर हुशियान सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लेनजान से प्यार कर बैठूंगा, और जब प्यार हुआ तब मैं सुई के बात सुनकर उसे प्रपोज भी किया, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, और मैं भी कितना पागल हूँ। वो बात सच मानकर मैं यहाँ चला आया, क्योंकि मैं उसके फीलिंग्स के बारे में जान पाया कि वो भी मुझे प्यार करता है, लेकिन मैं खुद से नाराज हूँ, क्योंकि मेरे एक फैसले ने हम दोनों को दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया, वो चाइना में और मैं साउथ कोरिया में। जाकर भी मैं उससे मिल नहीं पाऊंगा और पता नहीं कितने दिन अलग रहना होगा। पहले सप्ते में हुशियान बोर्डिंग स्कूल में अकेले रहा, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि उसे दोस्त बनाने के लिए उन लोगों की भाषा उसे नहीं आता। वो बहुत दुखी था। कुछ दिनों के बाद वो अपने घर पर कॉल किया और वो अपने माता पिता की आवाज़ सुनकर अच्छा महसूस करने लगा। जब वो लेनजान की आवाज सुना तब वो बहुत दुखी हो गया। इसीलिए ज्यादा दुखी हो गया था क्योंकि लेनजान का तबीयत खराब था और वो उदास था। लेनजान ने फिर भी हुशियान के साथ बात करने की कोशिश की और हुशियान को घर लौट आने के लिए कहा, और कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम मुझसे दूर कैसे जा सकते हो? तुम यहाँ भी तो पढ़ सकते हो मेरे साथ, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। लेनजान के बातें सुनकर हुशियान बहुत दुखी हो गया और वो कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि वो रोने लगा था और वो फोन काट दिया। हुशियान के साथ एक दोस्त रहा था उसके कमरे में, और उस दोस्त को साइनस भी आता है। हुशियान ने अपने सारे दुख उसके साथ शेयर किया और वो भी हुशियान के दुख को समझा। वो उसका अच्छा दोस्त बन गया था। दूसरे तरफ लेनजान को इमली ने स्कूल में परेशान करना बंद कर दिया था, क्योंकि लेनजान ने खुद इमली को धमकाया कि अगर तुम हुशियान के खिलाफ कुछ भी कहा तो मैं यह भूल जाऊंगी कि तुम लड़की हो, तो प्लीज तुम मुझसे दूर ही रहना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए खतरा होगा। इमली ने लेनजान को जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके साथ बात करना बंद कर दी। हुशियान के बोर्डिंग स्कूल में फोन लेना अलाउड नहीं था, लेकिन सभी स्टूडेंट्स चुपके से फोन यूज करता है, इसीलिए हुशियान को भी लेनजान से बात करने के लिए मुश्किल होता है। ऐसे ही टाइम बीतने लगा और दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते रहा। सिर्फ दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहा था। दो सप्ताह भी उन दोनों के लिए दो साल की तरह ही लग रहा था। दो सप्ताह बीत गया। एक दिन सुबह हुशियान लेनजान को कॉल करके बताया कि लेनजान, यहाँ हॉलीडे स्टार्ट हो गया है, मैं घर के लिए कल ही निकलूंगा, तुम एयरपोर्ट में मेरा इंतजार करना। यह सुनकर लेनजान बहुत खुश हो जाता है और वो नेक्स्ट डे के लिए बहुत एक्साइटेड था। नेक्स्ट डे वो एयरपोर्ट में हुशियान के लिए इंतजार कर रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद हुशियान दो भारी सूटकेस के साथ लेनजान के तरफ आने लगा। लेनजान हुशियान को देखकर उसके ओर भागा और उसे जोर से गले लगा लिया और साथ ही उसे किस करना चाहता था, पर एयरपोर्ट पर रहने के कारण किस नहीं किया। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक तो कस कर पकड़ते रहे। फिर एक साथ हुशियान के घर पहुंचा। हुशियान के पेरेंट्स और लेनजान के पेरेंट्स दोनों एक साथ था। वो लोग हुशियान को देखकर बहुत खुश था। हुशियान के पेरेंट्स हुशियान को प्यार से गले लगा लिया और हुशियान की मॉम हुशियान से कहती है, मैंने पहले ही तुम्हारा कमरा साफ कर दिया है, तुम जाओ
अब रेस कर लो। तभी उयुशियान कहता है, माँ मैं और लेनजान एक साथ एक कमरे में रहूंगा। यह बात सुनकर लेनजान मन ही मन मुस्कुराने लगा और लेनजान की मोम की चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उयुशियान की मोम कुछ नहीं कहा, बस वो मुस्कुराने लगा। दोनों को साथ रहने के लिए हाँ कह दिया और दोनों के डैड भी हाँ में हाँ मिलाया। फिर दोनों साथ कमरे में आया। उयुशियान अपने कमरे में सूटकेस रखा और नहाने के लिए चला गया। इसके बाद दोनों साथ डिनर के लिए अपने पेरेंट्स के पास आया। खाने के बाद दादी ने बताया कि उयुशियान अब यहाँ ही रहेगा, मतलब तुम्हारे साथ रहेगा और वो यहाँ ही पढ़ाई करेगा। यह सुनकर लेनजान के खुशी और भी दुगना हो गया था। वो सिर्फ उयुशियान के ओर देखते रहे और अपनी मॉम से पूछा कि क्या यह सच है। माँ ने कहा, हाँ हम सभी को इसके बारे में पहले से ही पता था, दादी ने तुम्हें बताने के लिए मना किया था। लेनजान इसके बारे में कुछ नहीं पूछा पर वो बहुत खुश था। तभी दादी ने सभी को बताया कि हाँ यह तो बहुत खुशी की बात है कि उयुशियान अब यहाँ ही रहेगा, लेकिन एक बुरी खबर भी है। एक्चुअली बात यह है कि 2 महीने पहले मुझे डॉक्टर ने बताया कि मुझे कैंसर है, यदि इलाज भी करूं तो ज्यादा दिन में जिंदा नहीं रहूंगी, या तो इलाज के दौरान मेरी मृत्यु हो सकती है। यह बात सुनकर सभी लोग अवाक होकर दादी की ओर देखने लगे और किसी ने भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उयुशियान की मॉम रोने लगी और सभी को यह सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। उयुशियान और लेनजान ने दादी से कहा कि हम आपके साथ हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा, हम दोनों आपके मदद करूंगा, आप जल्दी ही ठीक हो जाएगी। फिर दोनों दुखी होकर गार्डन में बैठे रहा। दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं की, खासकर उयुशियान बहुत ज्यादा ही दुखी था। लेनजान उयुशियान के ओर देखते रहे। कुछ देर बाद उयुशियान कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, यह कैसे हो सकता है। मैं जब अपने घर से दूर था तभी मुझे अपने माता पिता, मेरे दोस्त और मेरे दादी, इन लोगों को मैंने बहुत याद किया और दादी ने मुझे हमेशा से ही सपोर्ट किया है। मैं बहुत दुखी हूँ लेनजान। लेनजान ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस उयुशियान को गले से लगा लिया और प्यार से उसके गालों पर एक किस किया। उयुशियान ने कहा, लेनजान मैं तुम्हें सबसे ज्यादा याद किया, मैं तुम्हारे बिना अकेला महसूस करता हूँ। उतने में ही दादी और उन दोनों के पेरेंट्स गार्डन में आया। दादी मुस्कुराते हुए उयुशियान से कहती है, तुम 1 साल बाद 18 साल के हो गए, मुझे उम्मीद है मैं रहूं या ना रहूं, तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे और दोनों ही शादी करोगे। लेनजान ने कहा, हाँ दादी, अगर उयुशियान अब भी मुझे शादी करना चाहता है तो मैं अब भी उससे शादी कर लूंगा। यह बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगा और लेनजान के तरफ देखते रहा। उयुशियान लेनजान से पूछता है, क्या तुम सचमुच अभी मुझे शादी करना चाहते हो। लेनजान कहता है, हाँ मुझे कोई एतराज नहीं है, चाहो तो तुम अब मुझे शादी कर सकते हो या तो मैं तुम्हारे लिए 1 साल इंतजार कर सकता हूँ। लेनजान की मॉम सभी को कहती है, शादी के लिए प्लान बनाना शुरू कर देना चाहिए। उयुशियान की मॉम ने कहा, अगर इन दोनों शादी कर लेते हैं तो हम एक फैमिली बन जाएंगे। यह कहकर उयुशियान की मॉम लेनजान के गालों पर एक किस किया और कहा, तुम वादा करो कि तुम हमेशा उयुशियान को खुश रखोगे और हमेशा उसके साथ रहोगे, यदि तुम वादा करते हो तो मैं तुम दोनों को जरूर शादी कराऊंगा। लेनजान कहता है, हाँ मैं वादा करता हूँ। उन दोनों के शादी के बारे में लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। ऐसे बातचीत करने के बाद लेनजान और उयुशियान अपने कमरे में चला गया। उयुशियान बेड पर बैठ गया और लेनजान ने अपने दाढ़ी उयुशियान को दिखाया। उयुशियान ने कुछ देर तक वो दाढ़ी रीड किया। रीड करने के बाद अपने साइड में रखा और लेनजान के ओर देखते हुए कहा, मुझे पता है लेनजान, मैं तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मुझे इसके लिए खेद है। लेनजान कहता है, तुम दुखी मौत हो और वो सभी बातें भूल जाओ। लेकिन उयुशियान कहता है, नहीं लेनजान, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसके लिए मुझे बहुत खेद है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ लेनजान,
मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। रंजन कहता है, मुझे पता है कि तुम जानबूझकर मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचाते हो, और यह भी पता है कि तुम इसके बारे में लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो। भूल तो मेरे ही है, अगर मैं तुम्हें पहले ही एक्सेप्ट कर लिया होता और अपने दिल की बात मैं तुम्हें कह दिया होता तो बात इतना नहीं बढ़ता, ना ही तुम्हें वहाँ जाना पड़ता। असल में इन सब के जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। फिर भी जो बीत गया वो सब के बारे में सोचकर अब दुखी क्यों हो रहे हो? अब तो हम साथ हैं, बुरे समय को भूल जाओ और मेरे साथ खुश रहो। तभी उयुशियान थोड़ा शांत हो जाता है। लैंजन सोचता है, मुझे पता है कि मैं एक साल और 6 सप्ताह के बाद उयुशियान से शादी करने वाला हूँ, और उसके प्रति मेरे भावनाएं कभी भी नहीं बदलेगा। वो हमेशा से मेरा है और मेरा ही रहेगा। वो दोनों पिछले 6 हफ्तों में अपनी गर्मी की छुट्टियों का भरपूर आनंद लिया। उन दिनों में ही लैंजन ने उयुशियान को एक रिंग देते हुए पूछा कि क्या तुम 18वें जन्मदिन पर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? उयुशियान ने कहा हाँ। उसके बाद लैंजन और उयुशियान के पेरेंट्स एक साथ मिलकर एक रिजॉर्ट में रहने के लिए गया, जहाँ उयुशियान और लैंजन एक साथ रहा। बाकी 3 सप्ताह दोनों एक साथ समुद्र तट पर काफी समय बिताया। दोनों ऐसे ही एक साथ खुशी में रहने लगा। उन दिनों में ही दादी की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी, और इसीलिए हॉस्पिटल पर एडमिट होना पड़ा, और दादी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन वो मरने से पहले उन दोनों के शादी देखना चाहती थी, इसीलिए पेरेंट्स शादी के बारे में सोचने लगा। लैंजन सोचता है, इतने सालों के दोस्ती के बाद आखिरकार हम सदा के लिए एक कपल बन जाऊंगे, पर मैं उयुशियान के बारे में लेकर बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो दुखी है। गर्मियों की छुट्टी का अंत बहुत तेजी से हुआ और आखिरकार सभी स्कूल खुलने लगा। वो दोनों भी अपने स्कूल जाने लगा। लैंजन सोचता है, पिछले साल बहुत थका देने वाला था, पर अब तो मेरे फाइनल एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। अब मुझे पढ़ाई में ध्यान देना होगा और मैं बेफिक्र होकर पढ़ाई कर सकता हूँ। उयुशियान मेरे साथ है और मेरे लिए यह काफी है। हॉलीडे खत्म हो जाने के बाद दोनों स्कूल जाना स्टार्ट करता है। लैंजन सोचता है, स्कूल में कितनी सारी लड़कियां उयुशियान को पसंद करती है, लेकिन कभी भी उयुशियान ने उन सभी लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं किया। तभी मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, पर अब मुझे इसके बारे में पता है, क्योंकि वो हमेशा ही मुझे प्यार करता है। ऐसे सोचने के बाद लैंजन बहुत खुश हो गया था। उयुशियान ने लैंजन के डायरी रीड किया, और रीड करने के बाद उयुशियान ने एक न्यू डायरी लैंजन को दिया, जहां लिखा हुआ था कि अब मैं वापस यहां आ गया हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लैंजन फिर से डायरी लिखना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार लैंजन ने साथ बिताए हुए पलों के बारे में लिखा। नेक्स्ट डे दोनों साथ अपने पुराने स्कूल के लिए निकला। लैंजन सोच रहा होता है कि जब सभी लोग उयुशियान को फिर से देखेगा तब सभी लोग क्या सोचेगा, खासकर मेरे फ्रेंड्स और मेरे क्लासमेट उसे क्या कहेगा जब उन्हें पता चलेगा कि हम दोनों कपल हैं और जल्दी से सगाई भी कर रहे हैं। ऐसे सोचने के बाद लैंजन उयुशियान की ओर देखते हैं और फिर से सोचता है, जब उयुशियान का जन्मदिन होगा तो मैं दोनों के लिए सेम रिंग खरीदूंगा, ताकि कोई देखकर कह सके कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करता हूँ। जब तक मेरे पास उयुशियान है तब तक मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या कहता है। लैंजन ऐसे सोचते हुए स्कूल पहुंचा। जब दोनों स्कूल पहुंचा तभी उयुशियान ने लैंजन का हाथ पकड़ के रखा था। वो दोनों इतने जल्दी क्लास में पहुंचा कि वहां पर कोई भी स्टूडेंट नहीं था, इसीलिए दोनों साथ टेबल पर बैठकर अपने क्लासमेट के आने का इंतजार कर रहा था, और एक एक करके सभी स्टूडेंट आने लगा। सभी स्टूडेंट उयुशियान को देखकर हैरान था
और सभी गर्ल्स उन दोनों के रिश्ते के बारे में जानकर चिल्लाते हुए कहने लगी, हे भगवान, तुम दोनों कपूल हो। लेंजा ने जवाब दिया, हाँ हम दोनों कपूल है और जब उयुशान 18 साल के हो जाएगा तब हम दोनों पति पत्नी रहेंगे और हमारे शादी के लिए सिर्फ एक साल बचा है। सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया था कि उयुशान और लेंजा कपूल है और दोनों शादी भी करेगा। फिर भी उन दोनों के रिश्ते के बारे में किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा बल्कि सपोर्ट किया। वो दोनों वहाँ पर ही पढ़ाई की और एक साल के बाद वो दोनों जुगी के लिए अलग कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन दोनों साथ में। ऐसे ही दिन बीतता गया। लेंजान और उयुशान ने 18वें जन्मदिन पर शादी की। शादी में उन दोनों के सभी दोस्त और रिश्तेदार शामिल थे और दादी भी उन दोनों के शादी में शामिल थी, लेकिन शादी के 2 सप्ताह के बाद दादी की मृत्यु हो गई थी। उयुशान और लेंजान बहुत दुखी था, लेकिन इस बात से खुश था कि दादी उन दोनों के शादी देख पाई। उयुशान और लेंजान दोनों साथ आगे की पढ़ाई कंप्लीट की और दोनों को जॉब भी मिल गया। दोनों एक साथ एक साल रहने के बाद लेंजान ने एक बच्चा गोद लेने के बारे में सोचा, लेकिन उयुशान ने गोद लेने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो दोनों ही जॉब करता है। जब दोनों अपने माता पिता के पास जाता है तो भी लेंजान सोचता है, काश मैं भी पिता बन पाता और मेरा भी एक अपना बच्चा होता, लेकिन मैं उयुशान को इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वो दुखी महसूस करेगा। मुझे एक बच्चा गोद लेना है और मुझे उम्मीद है उयुशान भी मेरे साथ देगा। उस दिन रात जब उन दोनों के बीच रोमांस हुआ तो भी उयुशान ने खुद लेंजान से कहता है कि लेंजान, तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पर मैं तुम्हें एक बच्चा नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए मुझे खेद है। लेंजान कहता है, हम एक बच्चे को गोद ले लूंगा, क्या कहते हो? उयुशान कहता है, ठीक है, हम कल ही एक बच्चे को गोद लूंगा। फिर वो दोनों एक बच्चे को गोद ले लिया और एक कंप्लीट फैमिली होकर खुशी से रहने लगा। तो गाइस, योर फैन फिक्शन मतलब योर स्टोरी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा और मैं आप लोगों के लिए और भी न्यू स्टोरी लेकर आऊंगी और मैं खुद वांगशान फैन फिक्शन लिखूंगी। आप लोग जरूर बताइए आप लोगों को स्टोरी कैसा लगा और आप लोगों को न्यू स्टोरी चाहिए या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।